हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ विनोद। कैसे हो सबके सब? आई होप सबके सब अच्छे होंगे। मैं और मेरा भाई आज जा रहे हैं चंडीगढ़ से स्पीति वैली, ये मनाली के रास्ते से। और अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, रेस्ट के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू कैसा है। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं हम। ये रहा मेरा भाई और मेरी कार। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि आज सुबह मॉर्निंग में हम निकले थे 2:30 बजे करीब घर से। तो मैंने सोचा कि एक कोई छोटा रास्ता ले लेता हूँ हिमाचल जाने के लिए। तो हम मेरा भाई और मैं एक कोई छोटा रास्ता ले लिया हमने, और काफ़ी देर तक हम ड्राइव करते रहे। और करीब करीब मेरे करीब 1 घंटे तक हमने कार ड्राइव करी वहाँ पे। फिर आगे जब हम ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद वहाँ पे पूरी रोड टूटी हुई थी और लैंडस्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था वहाँ से। तो फिर हमने वहाँ से वापस ले लिया, दूसरी रोड पकड़ी जो कि थी हाईवे 205। और फिर हमें वापस आने में करीब एक घंटा और लग गया, जिससे हमारे 2 घंटे पूरे बर्बाद हो गए उसमें मॉर्निंग में। तो अगर आपने हिमाचल वगैरह या मनाली वगैरह जाना है, तो इस टाइम पे अभी जो रास्ता खुला हुआ है वो खुला हुआ है हाईवे 205, वो जो कि बेस्ट वे है हिमाचल जाने के लिए इस टाइम पे। बाकी रास्ता आप जो भी लोगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लैंडस्लाइडिंग हो कहीं पर भी हो सकती है। और रास्ता ऐसा भी है कि रास्ता ना खुला हो और आपको वापस आना पड़े, फिर दूसरा रोड आपको लेना पड़े। तो बेटर है कि आप हाईवे 205 लो, थोड़ा लंबा पड़ेगा बट ये है कि हाँ आप आराम से इजली पहुंच जाओगे वहाँ पे। इस टाइम पे हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फॉग है, आप देख रहे हो कि आगे का रास्ता भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है, रोड टूटी हुई है यहाँ पे। अभी हमें गाड़ी वापस पीछे तरफ लेना है क्योंकि सिंगल रास्ता ही है। सामने रोड टूटी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। जो लेफ्ट वाला रास्ता वो बहुत ज़्यादा बंद, वो बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो गया यहाँ से। अभी एक ही रास्ते से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। काफ़ी दूर तक लैंडस्लाइडिंग हो रही है, देख रहे हैं ये पूरा। काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी यार उस टाइम पे, नदी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, ऊपर तक नदी आ रही थी। बट पिछली बार हम अगस्त में आए थे, इससे पिछले महीने की बात है, और अभी नदी में पानी कम है पहले के मुकाबले। अभी इस टाइम पे नदी
बारिश की वजह से जो हिमाचल में अभी आई थी उसके वजह से। क्योंकि हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गई थी और लैंडस्लाइडिंग आ गई थी, जिसके वजह से अभी जो टूरिस्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं भी वेट कर रहा था कि कब बारिश रुक जाए और फिर हम भी हिमाचल वगैरह लद्दाख वगैरह या खिलोंग साइड घूमने के लिए दोबारा से जाएं। ये देखो ये देखो, सामने रोड टूटी हुई है। पहले के मुकाबले अभी ठीक है, अभी मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है कि पहले ऐसा था कि कीचड़ में गाड़ी स्लिप भी, अभी पहले से काफ़ी बेहतर है। यहाँ भी रोड टूट रखी है पूरी, ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग जा रहे हैं ज़्यादातर ट्रक वगैरह ही जा रहे हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के काम वगैरह करते हैं। वैसे जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं नॉर्मल, वो गाड़ी बहुत ही कम जा रही है यहाँ से, इस रोड से अभी। जैसे कि अभी काफ़ी कम, एक या दो गाड़ी मुझे मुश्किल से दिखी थी यहाँ पे, बाकी जो गाड़ियाँ दिख रही है वो ज़्यादा है या टैक्सी वगैरह होगी या तो अपना क्या कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट के ट्रक वगैरह जा रहे हैं। उस तरफ काफ़ी अच्छी धूप निकल रखी है, नदी मेरी काफ़ी अच्छी नदी लग रही है। अगर यहाँ कोई पार्किंग वगैरह होती तो मैं शायद चला जाता नीचे, बट यहाँ तो कोई पार्किंग वगैरह नहीं है तो नीचे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट पानी काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है नीला पानी हो। ये इस तरह भी रोड टूटी हुई, आपको जगह जगह रोड टूटी हुई मिल जाएगी रास्ते में। जगह जगह रास्ते पर रोड टूटे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घबराने, इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि हिमाचल वाले जो हिमाचल सरकार ने रोड काफ़ी ज़्यादा साफ़ कर दी है। जो भी पत्थर वगैरह से लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते में आ गए थे वो उन्होंने रास्ते से हटा दिए हैं, अभी तो ईजिली गाड़ी वगैरह जा रही है यहाँ से। तो अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ से, चंडीगढ़ से अभी तक मैं यहाँ हिमाचल में आ गया, अभी तक कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई मेरे को रास्ते में। अभी मनाली जो यहाँ से है एक घंटे के करीब, एक सौ किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पे। थोड़ा वेट करते हैं, आगे थोड़ा छोटा सा जाम लगा हुआ है। अभी यहाँ से सिंगल रोड ही जा रही है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में रोड टूटी हुई है, तो कहीं कहीं पे सिंगल रोड ही है तो एक एक करके जाना पड़ रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो पहाड़ देखे, उस पहाड़ में काफ़ी अच्छी धूप निकल रखी है। जब मैं पीछे की तरफ से आ रहा था तो पूरे रोड पे फॉग ही फॉग था और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बट यहाँ पे काफ़ी धूप निकल रखी है तो ज़्यादा ठंड लग नहीं रही है। अगर आप अभी आना अभी अगर आप हिमाचल का प्लान बना रहे हो घूमने का, तो डेफिनेटली अभी सही टाइम है हिमाचल घूमने का, क्योंकि इसके बाद तो अक्टूबर नवंबर में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगेगी मनाली साइड में, और आगे जाके कितनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि रोड बंद कर देते हैं सिर्फ जो, और कार वगैरह भी जो नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं मारुति वगैरह, सिर्फ उनको मारुति वगैरह को भी बंद कर देते हैं। जो 4x4 कार होते हैं, सॉरी 4x4 ट्रक होते हैं या कार होती है, बस उन्हीं को ऊपर भेजते हैं वो। तो अगर हिमाचल जाना है तो भी ये टाइम बेस्ट है इस टाइम पे। वो देखो सामने काफ़ी, वो वहाँ पर भी रोड टूट रखे हैं। उस तरफ
मैं हिमाचल में पिछली बार जब आया था यहाँ पे तो रोड बहुत टूट रखे थे, इन्होंने काफी ज्यादा अभी ठीक कर दिए ना। आराम से जाना पड़ रहा है। ये पोल टूट गया, जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल था टूट चुका है यहाँ से। जब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब जब हिमाचल में बारिश ज़्यादा आ गई थी उसके वजह से पूरे अगर मैं एक या दो दिन तक सिग्नल वगैरह एयरटेल वगैरह के सिग्नल वगैरह बंद हो गए थे। ये जो कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे पहाड़ से, ये गाड़ियों के ऊपर गिरा हुआ है, ये पत्थर देख रहे हो कितने बड़े, ये गाड़ी के ऊपर गिरे हुए देख रहे हो, बड़े पत्थर गिरे गए बहुत ज़्यादा। तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा ठीक कर दिया उन्होंने, बट इमेजिन कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ होगा यार। ये देखो लेफ्ट में जो पूरा रोड है ये नीचे टूटा हुआ है। और यहाँ पे जो अभी जो आप ये देख रहे हो जो ये सामने जो पहाड़ जैसा है यहाँ ये वाला, ये अभी भी जो उसकी मिट्टी गीली हो रखी है, अगर सपोज बारिश होगी ना तो ये दोबारा से गिरेगा। ये ऐसे रोड टूटी हुई आपको जगह जगह मिल जाएंगी उसे पत्थर से और ढक। अभी हम थोड़ी देर के लिए इस रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं, इस रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे और कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है ये। धूप काफ़ी थी जिसकी वजह से मैंने सनग्लासेस लगा लिए हैं। अभी रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, देखते हैं रेस्टोरेंट कैसा है अंदर से और खाना कैसा है। ये अंदर से इस तरह का रेस्टोरेंट है। आ गया, वाओ यहाँ से काफी अच्छा व्यू है। रोनी कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? और क्या किया खाने पे ऑर्डर? दो पराठे के आलू के, दो चाय कर दी है और कुछ है नहीं। कह रहे कि यहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं रहे तो उसके वजह से खाने पे लगता है। अच्छा, बाकी छोले पूड़ी है बस ज्यादा पॉइंट नहीं कर रहे। ये रेस्टोरेंट के विंडो के पास काफी अच्छा व्यू है, बैक साइड में इस तरफ एक छोटी सी नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ों में काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। चलो अब खाना खाता हूँ। तो मैं एक बार आपको इस रेस्टोरेंट का मेन्यू दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस्टोरेंट का नाम है पंजाबी शर्मा ढाबा नाम से, और ये कुछ इस तरह का मेन्यू है इनको और प्राइस के साथ। बट अभी ये कह रहे हैं कि इनके पास सिर्फ मॉर्निंग में पराठा और पराठा चाय पराठा ही मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे कि हिमाचल में बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया तो टूरिस्ट वगैरह इस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो जिसके वजह से ये सिर्फ मॉर्निंग में से चाय पराठा दे रहे हैं और ज़्यादा आइटम सर्व नहीं कर रहे हैं। बट जैसे जैसे ये टूरिस्ट द्वारा आने लग जाएंगे तो ये और भी आइटम अपनी स्टार्ट दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में नहीं, बाकी सभी रेस्टोरेंट में यही है कि वो ज़्यादा आइटम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सिंपल पराठा वगैरह ही सर्व कर रहे हैं इस टाइम टूरिस्ट की वजह से। अभी हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं, जैसे आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का पराठा। ये हमारा पराठा जो है काफ़ी बड़ा, एक सिंगल पीस 50 रुपये का है और साथ में चाय है। मैंने जो चाय ऑर्डर करी है वो है विदाउट शुगर, मेरे भाई ने जो चाय ऑर्डर करी है विद शुगर है। और जो पराठा है साथ में अचार के साथ सर्व करते हैं। चलो ब्रेक करिए फटाफट, जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ उसके बाद मिलते हैं आपसे। Special budget.
सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है, अब चलते हैं वापस, गाड़ी में बैठता हूँ और मनाने के लिए जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हिमाचल के लिए अब रास्ता खुल चुका है और दोबारा से टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। चलो फिर चलता हूँ यहाँ से। अभी एक प्रॉब्लम आ गई है, हम अभी जाम में फंस गए हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, सारी गाड़ी जो पुलिस वाले हैं वो गाड़ी भेज रहे हैं, एक एक करके भेज रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि करीब एक डेढ़ घंटा लग जाएगा यहीं पे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सब के सब बाहर आ रखे हैं अभी। और एक उस तरफ छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत ही छोटा सा, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ये है छोटा सा मिनी वाटरफॉल। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। ये ग्रे वाली मारुति 800 आल्टो मेरी है, मेरा छोटा भाई वेट कर रहा है अभी अंदर। काफ़ी सारे लोग बाहर आ रखे हैं अभी। उस तरफ जाके देखते हैं कैसा व्यू है एक बार। इस तरफ फंसी हुई है हमारी गाड़ी और इस तरफ है काफ़ी अच्छा व्यू। अभी एक घंटा यहाँ वेट करना पड़ेगा जाम में। चलो कोई आसपास अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ और चाय वगैरह पीता हूँ बैठ के। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली जाम खुल गया यहाँ पे और दोबारा ट्रैक पे आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई यहाँ पे, काफ़ी देर से बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। चलो पहले जाम को क्लियर करते हैं प्रॉपर ढंग से। अभी थोड़ी देर पहले हमको पता चला है कि आगे बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है और जिसके वजह से जो मनाली वाला दूसरा रोड है वो बंद हो गया है। तो अभी एक कच्चा रास्ता है जहाँ से जा रहे हैं, जो गूगल मैप में भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो गूगल मैप में भी वो रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से लोग जा रहे हैं अभी मनाली के लिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, मेरे आगे गाड़ी फंसी हुई है। आप ऊपर देखोगे वो उस तरफ गाड़ियाँ जा रही है, तो ये नीचे से गाड़ियाँ जाते जाते तब ऊपर की तरफ जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है उस तरफ भी। अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में तो एक ट्रक जा रहा है वहाँ से, धीरे धीरे बहुत लंबी लाइन है। पीछे भी मेरे बहुत लंबी लाइन है, को दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हो मेरे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर ऊपर तक लाइन है, ऊपर तक। वो अभी हम भी ऊपर से आ रहे हैं, काफ़ी देर से ट्रैफिक बसे तो भाई कोई पसीना आ गया, ड्राइव कर रहा काफ़ी देर से। ओ ये है कौन सा, ये पंडो डैम है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पानी निकल रहा है अभी। वो देखिए उस तरफ पंडो डैम से पानी निकाल छोड़ा हुआ है अभी, आप देख रहे हो। देखो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रखा है अभी तक। ये वाला कच्चा रास्ता है, ये जो रास्ता
रहे हो आगे बिल्कुल भी रोड नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रखी है। ओहो बहुत ज्यादा बुरा हाल, बहुत ज्यादा बुरा हाल। देखो थोड़ी देर पहले ही लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। लोग लगे यहाँ काम पे, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया यार यहाँ पे। रबर जी ये देखो कितना सारा पत्थर। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हम जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ था वो क्लियर कर लिया है और अभी हम करीब करीब कुल्लू के पास पहुंच गए। अभी आने वाला है पुंतर, उसके बाद आएगा कुल्लू, कुल्लू के बाद आएगा मनाली, फिर उसके बाद आएगा शिशु, फिर हम शिशु में वहीं पे आज रात में वहीं पे स्टे करेंगे। तो मैं भी दिखाता हूँ बाहर का सभी और यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू है बाहर। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, पर रोड काफ़ी अच्छी है, पहाड़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखो साइड में जो घर है, आप घर देखो कितना अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो हिमाचल की बात ही अलग है काफ़ी। अगर आप चंडीगढ़ या किसी और सिटी से इलाके में रहते हो तो 100 गुना अच्छी जगह है पहाड़। कोई गाड़ी का पोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अभी हम कहीं पे एक स्पॉट देखते हैं जहाँ पे हम लंच कर सके, उसके बाद फिर मिलते हैं।
बहुत सारे लोग बैठे यहाँ पे। छोटी वो नीचे की तरफ है, आज कोई है नहीं वहाँ। देख रहे हो